अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूडीज विद हुमा। आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा सॉफ्ट फन जालीदार चॉको चिप चॉकलेट केक, जो कि बिना ओवन और बिना बटर के बनाया है मैंने। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है केक मोल्ड, 7 इंच का लिया है मैंने यहाँ पर केक मोल्ड। इसको इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर दूँगी, अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है इसे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसमें मैं बिछा दूँगी बटर पेपर। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। बटर पेपर बिछा के ऊपर से भी ऑयल से ग्रीस कर दूंगी मैं। अब यहाँ पर मैंने एक करी पैन लिया है, उसमें इस तरह से लोहे का स्टैंड रख के उसको पूरी हीट होने के लिए छोड़ दूंगी मीडियम से लो फ्लेम पे। तब तक हम बैटर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 अदद अंडे रूम टेम्परेचर। अंडों को अच्छे से बीट कर लें। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है शुगर 1/2 कप + 2 टेबल स्पून। शुगर मैंने यहाँ पर दानेदार यूज़ की है, आप चाहें तो पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं ऐड कर दूँगी इसमें ऑयल 1/2 कप। ऑयल ऐड करने के बाद अब मैं इसे ऐड कर दूँगी मैदा। मैदा मैंने लिया है 1 कप। मैदा हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। मैदा मैंने पहले ही छान लिया था, आप भी छान कर यूज़ करें। बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से छान लिया था पहले ही। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी कोको पाउडर 1/4 कप। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें इस बैटर के अंदर। अब यहाँ लास्ट में डाल दूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अगर आपको यहाँ ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। अगर बैटर ज़्यादा पतला हो जाए तो आप इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं 2 से 3 टेबल स्पून, इसे स्मूथ बैटर बनाने के लिए। अब इस बैटर को मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दें। इसे एक दो बार हल्के हाथ से टैप कर लें ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रहे। यहाँ पर मैंने चॉको चिप लिए हैं 2 से 3 टेबल स्पून, उनको इस तरह से पूरे केक के टॉप के ऊपर लगा दूँगी मैं। केक पर लगाने के बाद अब हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे करी पैन में। अगर आपके पास ये करी पैन अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह पर प्रेशर कुकर या बड़ा सा पतीला जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें से बेक कर सकते हैं। और यहाँ पर इस होल को लाजमी बंद करिएगा ताकि कोई भी अंदर की एयर्स बाहर नहीं आ सके। केक अच्छे से बेक नहीं होगा। इसे 40 से 50 मिनट के लिए हम बेक करेंगे मीडियम से लो फ्लेम पे। जी तो यहाँ पर देखें केक माशाल्लाह से परफेक्ट बेक हो चुका है। जब भी चेक करें आप इसे मीट से चेक करें, और इस दौरान अगर आपको चेक करना हो तो आप 20 मिनट से पहले इसे चेक नहीं करेंगे, 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। अब इसे शेल्फ पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। जैसे ही ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तो अब हम इसे मोल्ड से अलग कर लेंगे। गरम केक आप कभी भी मोल्ड से अलग नहीं करें। अब हम इसे रीमोल्ड करते हैं। अब इसका बटर पेपर रिमूव कर लेंगे। देखें कितना सॉफ्ट और स्पंज बना है ये केक बिना ओवन के ही। कटिंग करने से आपको नज़र आ रहा होगा कितना सॉफ्ट है इसका टेक्सचर। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे साथ अपना फीडबैक भी लाजमी शेयर करें। देखिए कितना स्पंज बना है ये केक। अगर आपको मेरी ये केक की रेसिपी अच्छी लगी, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।